हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएलओ के बारे में। जेएलओ में क्या सिलेबस होता है, कौन इसको भर सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। जेएलओ जो है वो राजस्थान की वैकेंसी है जिसे हर स्टेट के लोग भर सकते हैं, ठीक है। इसी के विषय में आज का वीडियो है। लेकिन यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं जुडिशरी की क्लासेस भी चलाता हूं और इस समय आपका सीपीसी और आईपीसी ये दोनों क्लासेस इस समय चल रही हैं। जिस किसी स्टूडेंट्स को अगर क्लास ज्वाइन करनी हो तो वो मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। ये हमारा आप कॉल भी कर सकते हैं और ये व्हाट्सअप नंबर भी है। सबसे पहले आप ऊपर वाले नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप करिएगा। ये किसी कारणवश अगर नहीं लगता तो आप दूसरे नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और सीपीसी और आईपीसी तो फिलहाल अभी चल रही हैं, लेकिन इससे पहले भी कुछ पेपर हैं जिन्हें हमने कंप्लीट कर दिया है। तो जब आप कॉल करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे तो पूरी जानकारी आपको इस संबंध में मिलेगी। चलिए देखते हैं आज की वैकेंसी के विषय में। अच्छा, ये तो रहा आपका नंबर, मैंने जो बताया कि आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके जो क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जुडिशरी के अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए, जेएलओ के लिए अगर ज्वाइन करना है क्लासेस तो उसके लिए। जेएलओ के संबंध में मैं आपको एक और वीडियो दूंगा, हो सकता है कि संडे तक आपको ये मिल जाए वीडियो कि जेएलओ का नया क्लास मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इसके संबंध में वीडियो जल्द ही आपको मिलेगी। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन या नई चीज़ें आती हैं तो मैं अपने टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूँ। नाम याद रहे, शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से टेलीग्राम है हमारा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यदि किसी कारणवश वो डिस्क्रिप्शन नहीं खुलता है तो आप ये सर्च करेंगे, शिवेंद्र लॉ स्टडी लिखेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप है। चलिए देखते हैं जेएलओ के विषय में। जूनियर लीगल ऑफिसर, नाम याद रहे इसका क्या नाम है, जूनियर लीगल ऑफिसर, ये पूरा फुल फॉर्म नाम है। ये राजस्थान की वैकेंसी है। इसमें आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितने पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कौन दे सकता है, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे आज की वीडियो में। चलिए, तो जेएलओ में आप समझिए चार पेपर होते हैं, देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो टोटल चार पेपर होते हैं। चार पेपर में कौन कौन से पेपर होते हैं ध्यान से समझिए। आप एक चीज नोट करिएगा, किसी भी स्टूडेंट को यदि किसी भी फील्ड का आपको एग्जाम देना है तो उससे पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर उसका सिलेबस क्या है। यदि आप बिना सिलेबस जाने ही अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप गलत राह पे चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि युद्ध जब भी लड़ा जाता है तो युद्ध लड़ने से पहले युद्ध की रणनीति तय करनी होती है कि आखिर किस माध्यम से हम उस युद्ध को जीत सकते हैं। तो इसी तरह हम सिलेबस के माध्यम से ही यह हम अपना डिसाइड करते हैं कि हमें इसमें से पढ़ना क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हम डिसाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान है, ठीक है, ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, एक चीज और, आप घबराइएगा नहीं कि इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होगी, क्या आप लेना है क्या नहीं लेना है मार्केट से इसके संबंध में, ठीक है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले आप पेपर्स जान लीजिए। फर्स्ट पेपर आपका कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड पेपर में दो पेपर आपको पढ़ने हैं, सीआरपीसी और सीपीसी। थर्ड पेपर जो है आपका, इसमें चार चीजें पढ़नी है, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन, प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग। एंड फोर्थ पेपर, लास्ट पेपर जो है, इसमें हिंदी और इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ना है, ठीक है। दो चीजें आपके लास्ट पेपर में पढ़ने हैं। अब बात करते हैं कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का होगा। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 150 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा 150 क्वेश्चन आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का रोल काफी बड़ा है, आप समझ लीजिए 150 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का होगा, ठीक है, कितने 50 मार्क्स का। वहीं
सेकंड पेपर की बात करें जिसमें सीआरपीसी और सीपीसी दो पेपर हैं। सीआरपीसी से 75 क्वेश्चन आएंगे, सीपीसी से 75 क्वेश्चन आएंगे। टोटल अगर मिला दिया जाए तो 150 क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या कहा 50 मार्क्स का, ये भी है। सेकंड पेपर में क्या है, दो पेपर है, फिर भी 50 मार्क्स का है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में 150 क्वेश्चंस को लिए हुए है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत कितनी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ के जाइए। तो ये फर्स्ट पेपर हमने बताया, सेकंड पेपर बताया, थर्ड पेपर आ गया। थर्ड पेपर में हमने कहा आपसे चार पेपर होंगे, क्या क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन, प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग का पेपर होगा। ये भी 150 क्वेश्चन आएंगे, इन चारों में मिलाकर 150 क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। देखिए चीजें बढ़ती जा रही हैं। यहाँ एक पेपर, फर्स्ट पेपर में एक पेपर पढ़ना है, सेकंड पेपर में दो पेपर पढ़ने हैं, थर्ड पेपर में चार पेपर पढ़ने हैं, ठीक है। और वो 150 क्वेश्चन मार्क्स, 50 क्वेश्चंस, एंड लास्ट आपका जो चौथा पेपर होगा आपका, इसमें दो चीजें हैं, एक हिंदी है और दूसरा इंग्लिश ग्रामर। हिंदी के जो है इसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश में है 75 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल हम बात करें तो 150 क्वेश्चंस रहेंगे, कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल मार्क्स कितने हैं आपके? 200 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो आप एक चीज ये तय करिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्वेश्चन की संख्या है वो ज्यादा है, और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको किस पोर्शन को टच करना है, कहां आपको ज्यादा फोकस करना है, कि कहां से आप नंबर को उठा सकते हैं, तो उतना आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, ये सेकंड पेपर सीआरपीसी सीपीसी की बात हुई, ये थर्ड पेपर आपके चार पेपर इसमें है, फोर्थ पेपर में दो पेपर है, ठीक। तो ये हुई बात पेपर्स की कि क्या पेपर है, कितने आपके क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का होगा, ये हमने आपको बताया। आगे चलिए कुछ चीजें और हैं जो नोट करने वाली बात है। एज की बात की जाए कि कितने साल तक के लोग देख इस एग्जाम को देख सकते हैं, तो मिनिमम जो है 21 इयर्स और मैक्सिमम की बात करें तो 40 इयर्स तक के लोग दे सकते हैं। ये जनरल की बात मैं कर रहा हूं। जब एससी एसटी की बात करते हैं, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी हमको पता चल पाएगा कि वहां क्या रखा गया है, कितना एज बाउंडेशन वहां पे रखा गया है, ठीक। जनरल फिलहाल 40 इयर्स तक आप दे सकते हैं। सेकेंड चीज, जो पेपर होगा ध्यान रखिएगा, एवरी पेपर जो होगा 3 hours का होगा। मतलब एक पेपर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें ये 3 घंटे का, सेकंड पेपर 3 घंटे, थर्ड पेपर 3 घंटे, फोर्थ पेपर 3 घंटे। एक ही दिन नहीं होगा, ये भी ध्यान रहे, 2 दिन में होगा। जैसे फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, सेकंड मीटिंग आपका सीआरपीसी सीपीसी हुआ, फिर नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे हो जाएगा ये थर्ड और फोर्थ पेपर हो जाएगा उसी तरह। तो क्या हुआ, एवरी पेपर 3 घंटे, 3 hours। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, इसको ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। प्रत्येक पेपर में 40% लाना अनिवार्य है, ये ध्यान में रख के चलिएगा, क्योंकि अभी तक जो है, अभी तक जो सिलेबस में है, ये अभी जो भी मैं बता रहा हूं अभी तक के सिलेबस को ध्यान में रख के मैं बता रहा हूं। अब आने वाला जो नोटिफिकेशन होगा उसमें क्या ये संशोधन करेंगे, ये अभी किसी को नहीं पता। जब आएगा तो फिर से हम लोग आएंगे, फिर से वीडियो बनाया जाएगा, फिर से आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी तक में क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। तो प्रत्येक पेपर में 40% लाना अनिवार्य है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है यदि कॉन्स्टिट्यूशन जो है 50 मार्क्स का है तो इसका 40% आपको लाना होगा, ठीक है।
एक पेपर की बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह सेकेंड पेपर में 40%, थर्ड पेपर में 40%, फोर्थ पेपर में 40%, टोटल मिला के 40% नहीं कह रहा हूँ, हर पेपर का 40% लाना है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा किया 60% ला दिए, वहीं आप थर्ड या फोर्थ पेपर में आपने क्या किया 15% लाए, 20% लाए, तब आप आगे नहीं गिने जाएंगे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाए जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि आपको हर पेपर में कम से कम 40% लाना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें इसमें, अब बात ये उठती है कि जो JLO का एग्ज़ाम है ये कितने चरण में होगा, तो JLO का एग्ज़ाम जो है वो दो चरणों में होगा, ये ध्यान रखिएगा। एक प्री होगा और दूसरा इंटरव्यू होगा, मेंस नहीं है, जैसा कि जुडिशरी में होता है, PCCA में होता है हम लोग के, कि प्री होगा फिर मेंस होता है फिर इंटरव्यू, तीन चरणों में होता है। जबकि JLO में क्या है, JLO में दो चरणों में एग्ज़ाम होगा, इसीलिए JLO का एग्ज़ाम आपके लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो ही चरण है, एक प्री दूसरा इंटरव्यू, ठीक है। हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों के लिए रहेगी कि JLO का एग्ज़ाम आप सभी में से कोई भी नहीं छोड़े, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल्स हो, ठीक है, दोनों लोग JLO का एग्ज़ाम दीजिए, होना न होना वो अपनी जगह है, इसी बहाने आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि देखिए UP जुडिशरी की भी वैकेंसी आने वाली है, इसका नोटिफिकेशन हो सकता है कि दिसंबर तक आ जाएगा। JLO के नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपका एक हफ्ते के अंदर आने की उम्मीद जताई जा रही है, जैसा कि न्यूज़पेपर में आया हुआ था। तो मेरा यह मानना होगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं बहुत ही बड़ा नहीं है या एक्स्ट्रा आपको मेहनत नहीं करनी है, आप जुडिशरी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो लगभग सभी चीज़ें आपको मिल रही हैं, वही चीज़ें पढ़नी है, बस कुछ चीज़ें हम मिला लें तो वो अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो जुडिशरी में देखिए हिंदी, आपको हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, APO का जो दे रहे होंगे, मेंस दे रहे होंगे, उन्हें भी हिंदी पढ़नी है, ठीक है। तो कोई अलग नहीं, अगर अलग कहा जाए तो आपको हो सकता है कि लिमिटेशन है, इंटरप्रेशन, प्लीडिंग ड्राफ्टिंग तो वैसे ही पढ़नी पड़ती है मेंस में, ठीक है, लिमिटेशन या ये इंटरप्रेटेशन, ये दो आपके पेपर हो सकते हैं कुछ अलग हो, हर स्टेट का अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के अगर जो भी स्टूडेंट जुडिशरी की तैयारी कर रहा है तो उसे JLO का एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल देना चाहिए, उसे जाना चाहिए, अपने आप को आप पहले परखिए क्या आप उस योग्य हैं कि आप JLO क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि आपको नहीं करना है JLO का, अगर JLO नहीं बनना है कोई बात नहीं, आप भैया पहले प्री तो निकालिए, तब तो लगे कि हाँ आप उस योग्य हैं, प्री निकालिए, इंटरव्यू निकालिए, रिजाइन दे दीजिए, मत करिए, पहले आप तय करिए ना कि आप उस योग्य हैं। आप ये कह के आएंगे कि मैं रिजाइन दे के आया, मैंने नहीं लिया, इंटरव्यू तक पहुंचे थे, ठीक है, क्वालिफाई कर गए थे, और जो क्वालिफाई कर जाएगा वो छोड़ेगा नहीं JLO का एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप प्लीज़ JLO का एग्ज़ाम जरूर दीजिए, फॉर्म आएगा फॉर्म फिल करिए, अच्छे से तैयारी करिए और देखिए आइए, ठीक है। कोई नहीं जानता कि कब किसकी कहाँ पे किस्मत खुल जाएगी, ठीक है, ये मत सोचिएगा मैं UP का हूँ, मैं बिहार का हूँ, मैं MP का हूँ, कैसे जाऊँ नहीं जाऊँगा, ये सब कुछ मत सोचिए, एग्ज़ाम एग्ज़ाम है, ठीक है, हर एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहिए, नहीं तो यूपी का हाल देख रहे हैं 2018 के बाद वैकेंसी नहीं आई। अगर जो ये मार्ग चलते हैं कि मैं सिर्फ जुडिशरी की तैयारी करूँगा तो बैठे रहें 2018 से 2022 लास्ट तक, वो बैठे रहें इसी इंतज़ार में, तब तक तो कितने लोग जज बन जाएंगे, APO बन जाएंगे, JLO बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि JLO आती है तो जरूर फॉर्म भरिएगा और इसकी प्रिपरेशन अभी से आप स्टार्ट कीजिए। मेरे लायक कुछ सेवा होगी तो आप जरूर बताइएगा, क्लास ज्वाइन करना होगा मेरी तो मैंने नंबर दे रखा है, आप नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके मुझसे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने बताया आपको कि क्या होगा, दो चरण में होगा, प्री होगा और इंटरव्यू होगा, प्री आप क्वालिफाई करेंगे तो आप इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू जो है 25 नंबर्स का होगा, मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये तो हुई बात, अब देखिए
अब ये प्रश्न उठता है, क्या इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होगी? बिल्कुल होगी। निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है, क्योंकि अब जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं वो निगेटिव मार्किंग पे ही बेस हैं, सब में निगेटिव मार्किंग हो रही है। अगला, वैकेंसी या सीट हम कहें कितनी आने की उम्मीद है, तो इसके विषय में हमने पहले भी एक वीडियो बना रखी है JL के ऊपर कि कितनी वैकेंसी आने की उम्मीद है। जो विज्ञापन अब आने वाला है उसमें कितनी वैकेंसी आने की उम्मीद है, तो लगभग जो वैकेंसी या सीट आपकी बताई जा रही है वो 200 सीट्स आने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, 200 कम नहीं होते, आपको एक चाहिए। आप सीट पे कभी मत जाइए कि सीट इतनी निकली हम कैसे जाएं। अरे होगा तो किसी एक बंदे का ही, किसका होगा पता है आपको? जिस दिन आपकी तकदीर चमकने को होगी, समझ लीजिए, जिस दिन आपकी तकदीर चमकने को होगी, यदि सिंगल सीट निकली है तो उस पे आपका होगा, नहीं होना होगा हजारों सीट निकल जाए, 2000 सीट निकल जाए, आपका नहीं होगा। मैं बता दूं आपको, जिस दिन होगा उस दिन आपको भी नहीं पता चलेगा कि मेरा यहां हो सकता है। ठीक है, तो कब किसकी तकदीर चमक जाए ये कोई नहीं जानता। चलिए, तो ये 200 सीट आने की उम्मीद है, और हमने बताया आपको प्री होगा और इंटरव्यू, दो चरणों में एग्जाम्स होंगे। तो ये हमें पूरा आपको बताना था कि JLO के संबंध में। JLO जो आपका है, फिर से मैं बता दूं, राजस्थान की वैकेंसी है। इसे कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी कहीं का भी किसी भी स्टेट का स्टूडेंट्स इस एग्जाम को, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात उठती है कि कौन भरेगा, क्या क्वालिफिकेशन हो, तो क्वालिफिकेशन के संबंध में मैं बता दूं, जिन्होंने लॉ पास किया है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल आप लॉ पास किए, डिग्री आपके हाथ में आई, फॉर्म भर दीजिए आप। ठीक है, एक और हो सकता है कि जो लास्ट सेमेस्टर में है, तीसरे साल का है, जैसे 3 साल का आपने LLB किया है या 5 साल का LLB आप कर रहे हैं, लास्ट आप ईयर में है, लास्ट सेमेस्टर में है आप, तो भी आई थिंक फॉर्म भर सकते हैं। अभी क्लियर तो नहीं है, विज्ञापन जैसा आएगा वैसे समझा जाएगा, कि फिर भी आप विज्ञापन आएगा, वो स्टूडेंट जो लास्ट सेमेस्टर दे रहे हैं वो एक बार विज्ञापन जरूर चेक कर लेंगे, जरूर चेक कर लेंगे, ऐसा ना हो कि वो इस वैकेंसी से अछूते रह जाएं, उनको ना मिले उनकी गलती के कारण। तो प्लीज लास्ट सेमेस्टर वाले जरूर देख लेंगे, जहां तक मेरा मानना है कि वो भी भर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू तक आपके पास, आपके हाथ में वो डिग्री होनी चाहिए LLB की। तो अगर हो गया है, लगता है आपको कि डिग्री मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल भर सकते हैं इस चीज को, फॉर्म को। ठीक है, तो ये पूरी JLO की कहानी थी। इसके विषय में मैंने आपको बताया कि सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का है, कितने घंटे का पेपर होगा, इसके संबंध में मैंने आपको बता दिया। मैंने ये भी आपको बता दिया कि मैं जुडिशरी की क्लासेस भी चला रहा हूँ, इस समय CPC IPC चल रही है। जिस किसी को अगर क्लास ज्वाइन करनी हो वो मुझसे संपर्क करके क्लास ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज़ इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो बस ये न्यूज़ थी, इसके बाद में संडे को हो सकता है इसी के संबंध में कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।